नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। बात कर रहे हैं बिग बॉस 10 की फिनाले की। सभी को ये उत्सुकता है कि बिग बॉस 10 का विनर कौन होगा। बस लास्ट दिन बचा है, जो चार फाइनलिस्ट बचे हैं वो चारों इस समय अपनी जीत की दुआएं मांग रहे हैं। सभी मीडिया, सभी न्यूज़पेपर, सभी चैनल्स और काफ़ी लोग जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो अपनी डिफरेंट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन पब्लिक वोटिंग, बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डिफरेंट प्रेडिक्शंस आ रही हैं। ऐसे में मैंने भी सोचा कि मैं भी एनालाइज़ करता हूँ कि इन चारों में से जो प्रतियोगी बचे हैं इनमें से जीत की संभावना के किसके सबसे ज़्यादा आसार हैं। तो अभी अगर हम देखें तो जो चार हमारे फाइनलिस्ट बचे हुए हैं उसमें मनु, मनवीर, बानी और लोपा हैं। आज एक और न्यूज़ थी कि आज शनिवार के दिन शाम के टाइम में चार में से एक फाइनलिस्ट को इवेक्ट होना पड़ेगा। वो कौन फाइनलिस्ट होगा जिसको इवेक्ट होना पड़ेगा, वो कौन तीन आपके फाइनलिस्ट होंगे जो कल बिग बॉस शो 10 के फाइनलिस्ट फर्स्ट रनर अप, सेकेंड रनर अप या फिर विनर होंगे, तो इस बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ मैंने देखा कि तीन हमारे जो चारों फाइनलिस्ट हैं इनके जन्मतिथि के हिसाब से और बिग बॉस सीजन 10 के फिनाले के स्टार्ट डेट, एंड डेट, जिस दिन हमारा शो 29th को ओवर हो रहा है उस दिन के हिसाब से क्या ग्रह किस हमारे प्रतियोगी के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं और इनमें से किसके जीतने की संभावना को व्यक्त करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये बिग बॉस का शो जो शुरू हुआ था वो 16 अक्टूबर 2016 को शुरू हुआ था। यदि देखा जाए तो ये टोटल मिला के कॉम्बिनेशन 7 और 8 का आता है। 16 का मतलब 7, सिंगल नंबर, सिंगल डिजिट को डिनोट करता है। और यदि हम 16 अक्टूबर और 2016 का सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें तो 8 को डिनोट करता है। 7 नंबर केतु को डिनोट करता है, 8 नंबर शनि को डिनोट करता है। अब फिनाले की तारीख पर बात करें तो फिनाले की जो तारीख है वो है 29 जनवरी 2017। तो जो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बनता है, और हम बात करें साल की 2017 की जिसका नंबर 1 है जो सूर्य द्वारा संचालित है। तारीख 29 जो नंबर 2 है वो मून से गवर्न होता है। अब हम बात करें लोपा मुद्रा राउत की, तो उसका जो टोटल नेम नंबर आता है वो 4 से, अंक नंबर 4 से डिनोट होता है। इस नंबर के जो स्वामी हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से राहु और सूर्य दोनों ही माने जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि लगन चार्ट और नवमाशा चार्ट में राहु या सूर्य इनकी आपस में परस्पर स्थिति क्या है, उसके हिसाब से हम इसको लेते हैं कि सूर्य से डिनोट कराएं या राहु से डिनोट कराएं। देखा जाए तो लोपा की जन्मतिथि 7 अक्टूबर 1991 है, तो उनका लकी नंबर 7 है। इस नंबर का जो स्वामी है वो केतु या फिर मून से डिनोट होता है। लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर उनका 1 है जो सूर्य से डिनोट होता है। और यदि उनकी उम्र का नंबर देखा जाए तो वो 8 आता है जिसके स्वामी शनि हैं। लोपा का जो पर्सनल ईयर नंबर आता है वो 2 है और पर्सनल डेट नंबर जो है 5 है, जो 29 जनवरी 2017 के लिए हैं। अगर हम लोपा की लगन कुंडली देखा जाए, हालांकि हमें उनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, बट यदि हम केवल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यदि उनकी हम लगन चार्ट देखें तो बुध और शनि लोपा के लिए दोनों फ़ायदेमंद ग्रह हैं। शुक्र भी जो है सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, इसलिए जो शुक्र का जो सूर्य के साथ का कंजंक्शन है वो एक इंसान को लवेबल बनाता है, इंसान को अप्रिशिएबल बनाता है। तो ये लोपा के लिए एक अच्छा टाइम है जिसमें उनको प्रशंसा और लोगों द्वारा लाइक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है इनका, तो आज की डेट की क्या सबदशा, सबदशा और आज की डेट के क्या ग्रह नक्षत्रों के और एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से क्या पोजीशन है उसको जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यदि हम ये बात करें कि जो चारों प्रतियोगी हैं उनके जो आंकड़े हैं वो सब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हैं जिसमें टाइम को हमने कंसिडर नहीं किया है। हम बात करते हैं गुरबानी जज की, जिसको हम बानी के नाम से भी बुलाते हैं। उसका फेमस नेम जो बानी जज है, यदि उसका नेम नंबर 1 आता है जिसके स्वामी सूर्य हैं। बानी की डेट ऑफ बर्थ यदि आप देखें तो 29 नवंबर 1987 है, और जिसके हिसाब से लक नंबर 2 है और जिसका स्वामी चंद्रमा है। उम्र का नंबर 3 है जिसका स्वामी गुरु है। यदि देखा जाए तो एक ये संयोग है कि बानी का नेम नंबर और डेट ऑफ बर्थ 29 है और फिनाले की डेट भी 29 है, जिसके हिसाब से दोनों को जो कॉम्बिनेशन है वो 2 को डिनोट होता है, जिसके हिसाब से मून उनके फेवरेबल बन के आते हैं।
अब बात करें हमारे मनवीर कुमार बैसोया या फिर मनवीर गुज्जर की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1987। उनके लक नंबर 4 और जो लग्न चार्ट के हिसाब से शुक्र जो है मनवीर के लिए एक अच्छा ग्रह है और सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, जो उनको अगेन प्रसिद्धि दिलाता है। बुध भी मनवीर के लिए अच्छा है, लेकिन बुध जो है मंगल के साथ में बैठा हुआ है। मंगल और बुध दोनों का मेल आपस में परस्पर अच्छा नहीं माना जाता। ये इंसान को थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग बनाता है, झगड़ालू बनाता है और थोड़ा सा एग्रेसिव बनाता है, जिसकी वजह से अगर आपने देखा होगा तो मनवीर कई बार अपना शो के दौरान भी आपा खो बैठते हैं और कई बार बाकी जो है प्रतियोगियों के साथ लड़ बैठते हैं। एक और चीज़ जो देखने की बात है कि कुंडली में जो राहु है वो गुरु के घर में बैठा हुआ है, जिससे गुरु चंडाल योग बन के आता है, जो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से माना जाता है। अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो वो शादी से जुड़ी ज़िंदगी को प्रभावित करने बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि मनवीर का लकी नंबर 4 है और लाइफ पाथ नंबर 8 है। और यदि हम देखें तो 4 और 8 का जो कॉम्बिनेशन, जनरली जितने जन्मपति देखते हैं यदि उसमें शनि और इनका शनि की 7.5 का जो सेकंड फेज है वो भी शुरू हो गया है 27 तारीख से, तो जनरली ऐसी टाइम में देखा गया है कि 4 और 8 के साथ में यदि शनि की 7.5 चलती है तो उस जगह उस समय ये लकी होता है और एक अच्छा नंबर साबित होता है पैसे के हिसाब से, पावर के हिसाब से। बात करेंगे मनु पंजाबी की। मनु पंजाबी का जो नेम नंबर आता है, जो फेमस नेम नंबर आता है, फेमस नेम का जो नेम नंबर आता है वो 4 को डिनोट करता है, जिसके स्वामी राहु हैं। यदि मनु पंजाबी की डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1982, लकी नंबर जो है उनका 9 है, इस नंबर के स्वामी मंगल हैं। उनका जो एज नंबर निकल के आता है इस साल में वो 8 नंबर, जो शनि के शनि द्वारा स्वामी जिसके शनि हैं। यदि हम बाकी इनके कॉम्बिनेशन को देखा जाए, नंबर्स के कॉम्बिनेशन को मिलाया जाए, तो मनु पंजाबी के इन चारों के चारों जो हमारे प्रतियोगी हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कम जीतने के चांसेस हैं वो मनु पंजाबी के हैं। तो मेरे हिसाब से आज जो इविक्शन सैटरडे के दिन होना है उसमें मनु पंजाबी को सबसे कम वोट मिलने के कारण उनका इविक्शन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फिनाले में, टॉप फाइनलिस्ट में जो 3 लोग बचे हुए हैं, मनवीर, लोपा और बानी। यदि हम ओवरऑल इन तीनों में देखा जाए तो लोप मनवीर और जो बानी और लोपा हैं, इन तीनों के बीच में सबसे अच्छे जो इस समय योग बन के आ रहे हैं, यदि हम बिना डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर किए देख रहे हैं, तो इस समय लोपा बानी के योग सबसे अच्छे बन के आ रहे हैं। लोपा के सेकंड नंबर पर बन के आते हैं, मनवीर के 3rd नंबर पर बन के आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि आज हमें इनके डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता है, तो हमें सब दशा और सब दशा का नहीं पता चल सकता। तो बिल्कुल 100% एग्जैक्टली ये कहना कि लोपा, बानी या मनवीर जीतेंगे थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी जो नंबर का जो तालमेल है, सामंजस्य है, उनको देख के ये लगता है कि जो विनर होंगे वो या तो बानी या फिर मनवीर में से कोई एक होंगे। बट चांसेस जो नंबर्स के खाली न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो मनवीर 3rd पोजीशन पर आने चाहिए, लोपा 2nd पोजीशन पर आने चाहिए, बानी 1st पोजीशन पर आने चाहिए। तीनों प्रतियोगियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जो जीतेगा वही सिकंदर। लेट्स सी हु विंस द रेस।